हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लकी त्यागी आज एक बार फिर आप सभी का एक्सीलेंट क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आज परसेंटेज की तीसरी वीडियो हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें मैंने कुछ अच्छे लेवल के सवाल लिए हैं, वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। ठीक है, बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। यदि किसी संख्या के एक तिहाई में उसका 427.27% जोड़ा जाता है तो संख्या 12920 हो जाती है। संख्या का 20% ज्ञात करें। सबसे पहले हमें संख्या निकाल ली होगी, उसके बाद ये 20% निकाल सकते हैं। पहले आपको निकालना है 427.27% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। तो मेरे भाई इसे आप ऐसे लिख लेंगे, 400% प्लस 27.27%। 400% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4 और 27.27% की फ्रैक्शन वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, 9.09% होता है 1/11। ये इसका 3 गुना है तो इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 3/11। यहां से आपको मिलेगा 47/11। तो हम कह सकते हैं कि 427.27% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 427.27% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 47/11। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें जो हम संख्या मानेंगे उसका हमें एक तिहाई भी निकालना है, उसका हमें 47/11 भी निकालना है। तो हम संख्या ऐसी मानते हैं जो 3 से भी कट जाए और जो 11 से भी कट जाए, इससे हमारी कैलकुलेशन आसान रहेगी। मैंने मान लिया भाई 1/3 भी निकालना है और 47/11 भी निकालना है। हम मान लेते हैं कि वो संख्या इन दोनों का एलसीएम क्या है, 33 है। 33, अब 33 का एक तिहाई निकालो, 33 का एक तिहाई क्या आएगा, 11 आएगा। और 33 का 47/11 निकालो तो 33 का 47/11 कितना हो जाएगा, 33 का 47/11, 11 + 33 147। और इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 152। लेकिन सवाल कहता है 152 प्राप्त नहीं होता, हमें प्राप्त होता है 12920। 152 यूनिट की वैल्यू कितना है, 12920। ये यहां से कट जाएगा 85 बार, तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 85। हमने संख्या माना है 33 यूनिट, तो 33 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 33 × 85। लेकिन हमसे संख्या नहीं पूछी, हमसे पूछा है संख्या का 20%, तो 33 × 85 का 20%, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। ये 17 बार काट दो और यहां जब आप सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 17 × 51 का 1, हासिल लगे 5, 17 × 51 और 5 = 56, 561 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का। यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक है, यदि संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक है तो संख्या का 28% संख्या के 33 से 1/3% से कितना कम होगा। हमें यहां दिखाई देता है 60%, क्या दिखाई देता है 60%, यहां दिखाई देता है 20%। तो यहां मुझे यह बताया कि संख्या का 60% संख्या के 20% से कितना अधिक है, 40%। कितना अधिक है, 40%। लेकिन सवाल में क्या कहा, 120 अधिक है। 40% की वैल्यू 120, तो 40 × 120, तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी, 3। संख्या क्या होती है, 100%, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 300। इसका मतलब वह संख्या 300 है, वह संख्या 300 है। अब यहां पूछा कि संख्या का 28% संख्या के 33 से 1/3% से कितना कम है, तो हम देखेंगे 28% और 33 से 1/3% में कितना अंतर है, 5 × 1/3% का। कितना अंतर है, 5 × 1/3% का, यह होता है आपका 16/3%। तो ये 16/3% ही दोनों का अंतर होगा, तो हम निकाल देंगे संख्या का 16/3%, परसेंट हटाएंगे बटे में 100 आ जाएगा, 300 से 300 कैंसिल, आंसर आपका 16। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रही है बात, कोई डाउट तो नहीं किसी को यहां तक। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पहली संख्या तीसरी संख्या से 8 × 1/3% कम है तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 15:16 है, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक होगा। तो पहले हमें देखना कि 8 × 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/12। तो पहली संख्या तीसरी संख्या से 8 × 1/3% कम है, इसका मतलब यदि तीसरी संख्या सी 12 है तो पहली संख्या ए कितना है, 11 है। पहली संख्या ए कितना है, 11 है। अगर हम बात करें तो दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात दे रखा है 15:16, तो बी अनुपात सी दे रखा है 15:16। लेकिन सी यहां भी है और सी यहां भी है, लेकिन सी यहां तो 12 है और यहां 16 है, जबकि दोनों जगह सी बराबर होना चाहिए। हम सी को बराबर कर लेते हैं, 12 और 16 का एलसीएम क्या होता है, 48, तो 48 बना लेते हैं, 12 × 48, 16 × 48। जब यहां 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहां भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां 3 से किया तो यहां भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमारा एक ही जगह क्या आ गया, ए हो गया आपका 44, बी हो गया आपका 45 और सी हो गया 48। ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा, 44 रेशियो 45 रेशियो 48।
आपसे पूछा है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है, तो पहली और तीसरी का औसत निकालो। औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, 44 प्लस 48 बटे 2, 92 बटे 2 कितना आ जाएगा 46। तो ये 46 दूसरी संख्या से कितना अधिक है, एक अधिक है। एक अधिक है किससे, 45 से, परसेंटेज के लिए गुणा में 100। यहां से आपका आंसर आ जाएगा 2.22%। ठीक है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। एम का एम परसेंट प्लस एन का एन परसेंट बराबर है 2% ऑफ एम गुणा एन। तो यहां देखो, का की जगह गुणा का चिन्ह होता है, तो एम गुणा एम परसेंट प्लस एन गुणा एन परसेंट बराबर हो जाएगा आपका 2m गुणा एन, और ये परसेंट को बाहर ले लो। ठीक है, ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 2mn। परसेंट हमने सभी जगह से कॉमन लेकर काट दिया। अब एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2mn बराबर 0, ये हो गया आपका m माइनस एन का होल स्क्वायर बराबर 0। यहां से आपको मिल जाएगा m बराबर n। इसका मतलब सवाल में पूछा है कि m का कितना परसेंट n है, तो m का 100% n है, m का 100% n है, क्योंकि m बराबर n। ठीक है भाई, आगे बात समझ में, कोई डाउट तो नहीं किसी को यहां तक। भाई दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ए की आय बी की आय की तुलना में 40% अधिक है, यदि ए ने अपनी आय में इतनी वृद्धि प्राप्त की हो तथा बी ने अपनी आय में 40% वृद्धि प्राप्त की हो, तो ए और बी की संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। ए की आय बी की तुलना में 40% अधिक है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। ए की आय बी की आय की तुलना में 40% अधिक है, यदि बी की आय 5 है तो ए की आय कितना है, 7। बी की आय 5 है तो ए की आय कितना है, 7। अब इस सवाल को करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका यह हो सकता है कि आप यहां 2-0 चिपका लें, यहां भी 2-0 चिपका लें। फिर ए ने अपनी आय में 25% वृद्धि की है, तो 700 का 25% कितना हो जाएगा, 25 × 7 = 175। तो इसने अपनी आय में कितनी वृद्धि की, 175। बी ने अपनी आय में 40% वृद्धि की है, 500 का 40% कितना हो जाएगा, 200। 500 का 40% कितना हो जाएगा, 200। तो ओवरऑल वृद्धि कितनी हो गई, 375। कितनी हो गई, 375। कितने पे हुई है, 7 × 4 = 1200 पे। परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 2-0 से 2-0 काटेंगे, 12 × 3 = 36 बचेगा, 1 × 12 = 31.25%। ठीक है, लेकिन इस तरीके से सवाल आपको करना नहीं है, सवाल आपको करना नहीं है। आप सवाल करेंगे कि मैं इस सवाल को करने का आपको एक दूसरा तरीका बताता हूं। यदि बी की आय 5 है तो ए की आय बी की आय की तुलना में 40% अधिक है। यदि बी की आय 5 है तो ए की आय कितना होगी, 7 होगी। ए की आय कितना होगी, 7 होगी। ए की आय 25% बढ़ी है और बी की आय कितना बढ़ी है, 40%। हमें निकालना है कि ओवरऑल दोनों की आय कितना बढ़ी है, ओवरऑल दोनों की आय कितना बढ़ी है। तो मैं मान लेता हूं कि ओवरऑल दोनों की आय कितना बढ़ी है, 30% बढ़ी है। मैं मान लेता हूं ओवरऑल दोनों की आय कितना बढ़ी है, 30%। तो यहां कितने की कमी है, 5 की, तो यहां लिख देंगे -5। यहां कितना अधिक है, यहां कितना अधिक है, 10। यहां कितना अधिक है, 10%। यहां 10% अधिक है। तो यहां आप देखेंगे कि 7 पे 5% की कमी, कितनी कमी, 35% की। यहां आप देखेंगे 5 पे 10% की कमी, कितने की कमी, 40 की कमी। यहां आप देखेंगे 40 की अधिकता है, 10 × 5 = 50, यहां 50 अधिक है और यहां 35 कम है। तो कुल मिलाकर कितने ज्यादा हो गए, 15 ज्यादा हो गए ना। देखो 7 × 5 = 35, यहां 35 की कमी है, 10 × 5 = 50, यहां 50 ज्यादा है। इसका मतलब 35 और 50 में कितने का अंतर है, 15 का, 15 ज्यादा हो गए। तो ये 15 आपको 12 पे डिवाइड कर देने हैं, 15 आपको 12 पे डिवाइड कर देने हैं। 15 को जब आप 12 पे बांटोगे तो 12 × 12 बचे कितने, 3। 12 × 2 = 24, 12 × 5 = 60, 1.25 आएगा यहां से, 1.25। ठीक है, 30% तो ये था और 1.25 ये आ जाएगा, तो आपकी ओवरऑल कितना आ जाएगा, 31.25%। उस तरीके से भी यही आंसर आया था और इससे भी यही आया। आपको जो समझ में आए आप उससे करें। ठीक है, ये एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन है, परसेंटेज का ये पूरा एक टाइप है और इस टाइप पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि कोई छात्र किसी संख्या को 11/16 के बजाय 7/12 से गुणा कर देता है, उत्तर में परसेंट त्रुटि कितनी है, प्राप्त उत्तर में परसेंट त्रुटि कितनी है। गुणा करनी थी 11/16 से, हमने गुणा कर दी 7/12 से।
हम मानेंगे कि वो संख्या वास्तव में थी क्या, वो संख्या वास्तव में थी क्या, आप संख्या ऐसी मानेंगे जो 16 से भी कट जाए यहां गुणा करके और 12 से भी कट जाए यहां गुणा करके। तो इन दोनों का एलसीएम क्या मान लेते हैं, संख्या, इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम क्या होगा जो दोनों से कट जाए, दोनों से ही कटने वाली संख्या क्या होती है, एलसीएम। 12 और 16 का एलसीएम होगा 48। तो जब 11 बटे 16 से गुणा करनी थी 48 को तो कितना आता, 33। लेकिन हमने गुणा कर दी 7 बटे 12 से 48 को तो कितना आया, 28। कितना आया, 28। कमी कितने की आई, कमी कितने की आई, 28। 33 पे 5 की कमी, भाई 33 से आंसर हमारा कितना हो गया, 28। तो कितने की कमी है, 5 की कमी, किस पे, 33 पे, परसेंटेज के लिए गुणा में 100। ये हो जाएगा आपका 500/33%, 500/33%। जब आप 500 को 33 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 15.15%, 15.15%। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 15.15% की कमी हो गई, पहले आंसर 33 आना था लेकिन बाद में आंसर कितना आ रहा है, 28। ठीक है भाई दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। ए और बी तो निश्चित बिंदु 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, सी सी ए बी पर एक बिंदु है, ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर। यदि ए सी की लंबाई 6% बढ़ा दी जाए तो सी बी की लंबाई में कितना परसेंट परिवर्तन हो जाएगा। ये कोई बिंदु आपका ए है, ये कोई बिंदु आपका बी है, ये दोनों जो है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है भाई, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। ए बी पर एक बिंदु सी है, ये कोई बिंदु मान लेते हैं सी है, और दिया है ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर, तो ये दर्पण कितना बची, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि ए सी की लंबाई 6% बढ़ जाए तो 3 का 6% क्या होता है, 0.18। 3 का 6% होता है 0.18, 3 का 6% कितना होता है, 0.18। यदि एसी की लंबाई इधर को 0.18 बढ़ेगी, यदि एसी की लंबाई इधर को 0.18 बढ़ेगी तो बीसी की लंबाई 0.18 कम नहीं हो जाएगी, तो बीसी की लंबाई 0.18 कम हो जाएगी। जब एसी की लंबाई इधर को 0.18 बढ़ेगी तो बीसी की लंबाई 0.18 कम हो जाएगी, तो 0.18 की कमी हो जाएगी, किस पे, 2 पे, परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 50, 18, 5, 90, तो पूरा 9% की कमी। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। ध्यान रखें अपना, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।